Lately I was feeling like I need a purpose. हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी यहाँ पर मैं बहुत बिजी हूँ, आपको दिख रहा होगा. क्यों वो बताती हूँ, क्योंकि आज है 10th अगस्त, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है. एंड आई नो ये ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है गाइज, 6-7-8 दिन बाद आ रहा है, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला एडिटिंग करने का, मैं थोड़ा सा बिजी थी. तो खैर, मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ शेयर तो करूँगी ब्लॉग, चाहे थोड़ा लेट ही क्यों ना हो जाए. तो यहाँ पर आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या बना रही हूँ. मेरे हस्बैंड का फेवरेट पनीर बिरयानी, क्योंकि नॉनवेज तो बन नहीं सकता, तो ये हुआ कि चलो पनीर बिरयानी ही बना लेते हैं. और यहाँ पर नाश्ते में बनाया था मैंने पोहा, क्योंकि इनका मन था पोहा खाने का, इनको पोहा बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो फिर पोहा ही बना लेते हैं. और साथ ही यहाँ पे मैंने दूध भी बॉयल कर लिया है. और आज का ब्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है. और मैं एडिटिंग करती हूँ तो पीछे से कुछ ना कुछ तो आवाज़ आ ही जाती है, आप समझ सकते हैं, घर है, फैमिली है. तो खैर, यहाँ पे मैंने पोहा बना दिया, ऊपर से मैंने इसमें मूंगफली डाल दी और थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दी, एंड मेरा यम्मी सा पोहा बनके रेडी है. किस किस को रेसिपी चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर बताऊँगी. हालाँकि मैं पहले भी रेसिपीज़ दे चुकी हूँ इन सब की. तो बस यहाँ पर हमारा पोहा बनके रेडी है और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि आज इनका बर्थडे है तो हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे. तो बस अभी हम ब्रेकफास्ट करके मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में. तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, अब मैं बनाने जा रही हूँ लंच. लंच में बनेगी पनीर बिरयानी. तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है, पानी में खड़े मसाले डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है, और इसमें डालूँगी मैं चावल बॉयल होने के लिए. और इधर चावल बॉयल हो रहा है, दूसरी तरफ मैंने कहा चलो फटाफट मैं पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ, मतलब वही बिरयानी वाली. तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था, ऑयल में मैंने डाल दिया था थोड़े से खड़े मसाले, और उसमें मैंने प्याज डाल दिया कट करके छोटा छोटा एक बड़े साइज़ का. और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा अदरक और लहसुन कूट के डाला है मैंने, फ्रेश क्रश करके पेस्ट है, पेस्ट नहीं सॉरी क्रश करके डाला है, आप चाहे तो पेस्ट डाल सकते हैं. इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है टेस्ट के अकॉर्डिंग. इसके बाद फिर मैंने इसमें 2 से 3 टमाटर काट के डाल दिए हैं, मीडियम साइज़ के थे. और इसके बाद इसे टमाटर में हल्का सा नमक डाल के टमाटर को हम गला लेंगे और इसे ढक देंगे तो जल्दी गल जाता है नमक डाल के. अगर आप टमाटर में ढकिए ना, टमाटर में नमक डाल के, तो वो जल्दी गल जाता है. तो बस यहाँ पे टमाटर गल गया है, उसे मैंने मैश कर दिया है इस तरह से कलछी से चला के. देन उसमें मसाले ऐड करूँगी. तो यहाँ पे मसाले मैंने डाला है 2 चम्मच भर भर के धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पे रेड चिली पाउडर. आप टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची डालिए. इसके बाद मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच डाली हूँ सांभर मसाला, तो वो ऐड कर दिया. देन हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भून लेंगे. इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया शिमला मिर्च. तो पनीर बिरयानी में ना शिमला मिर्च ऐड करने से मतलब टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है. आप चाहे तो और भी वेजीज ऐड कर सकते हैं, जैसे वेज बिरयानी बनती है उस तरीके से. मैं सिर्फ शिमला मिर्च ऐड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. देन शिमला मिर्च को डाल के मैंने थोड़ा सा ढक दिया था 2 मिनट के लिए, ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए. और सबसे लास्ट में हम पनीर ऐड करेंगे, क्योंकि पनीर पहले ऐड कर दो तो टूट जाते हैं. बहुत आराम से हमें इसे चलाना है. देन जैसे शिमला मिर्च का कलर चेंज हो गया, मैंने इसमें पनीर ऐड करके ढक दिया बस 1 मिनट के लिए, और बस हमारी सब्ज़ी बन के रेडी है. देन यहाँ पर मुझे ना बहुत जल्दी थी, क्योंकि सब टाइम से खाना खाते हैं, इसलिए मैं प्रॉपर रेसिपी नहीं दे पा रही थी, फिर भी मैं कोशिश कर रही थी. तो यहाँ पर मैंने लेयरिंग के लिए एक भगोना लिया, भगोने का पानी सुखा के उसमें घी डाल दिया देसी घी. उसके बाद इस तरह से चावल की लेयरिंग करी पहले मैंने. देन इसमें मैंने सब्जी ऐड कर दिया था, वो जो पनीर वाली सब्जी थी, उसके बाद फिर चावल डाल दिया. फिर ऊपर से मैंने इस तरह से इसमें फ्राइड अनियन डाल दिए, थोड़ा सा पुदीना की पत्ती डाली थी, थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाली थी, थोड़ा सा केवड़ा जल डाला था, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, सॉरी गाइज, इसलिए मैं लेयरिंग प्रॉपर नहीं दिखा पाई क्या क्या डाला था, कि आप सब समझ सकते हैं फैमिली के साथ इतना टाइम कहाँ मिलता है जॉइंट फैमिली के साथ अगर आप रहते हैं तो. तो खैर, कोशिश की है मैंने. तो बस ऊपर से फिर इसी तरह से राइस डाल दिया, और फिर जैसे लेयरिंग 1 बाय 1 हम करते जाएंगे, जितना हमारे पास राइस और ये सब होगा. तो बस ऊपर से मैंने इसमें फिर से सब्ज़ी डाल दी, तो जितनी सब्ज़ी जितना चावल होगा उसको ऐसे हम लेयरिंग करते जाएंगे. और फिर बस ऊपर से यहाँ पे मैंने राइस डाल दिया, राइस में ऊपर से धनिया पत्ती, मेरे पास सूखा पुदीना था तो वो डाल दिया, हरा हो तो हरा डाल लीजिए. और इसमें मैंने केसर भी डाला था, दूध में भिगा के रखा था, बट वो सॉरी मैं दिखा नहीं पाई. और ऊपर से मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दिया, क्योंकि मेरे पास येलो है, आपके पास रेड हो तो वो डालना. और उसके बाद बस ऊपर से इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया, ऊपर से मैं इसे थाली से ढक दूंगी और एक गैस ऑन किया. का टाइम है और जैसा कि अजीम का बर्थडे है, तो मैंने खाने में इनकी फेवरेट बिरयानी बना दी है, रेसिपी आपके साथ शेयर की है. और बिरयानी बनाई है, बूंदी का रायता बनाया है, सैलड है, यही सब हम लोग खा लेंगे एंड शाम को देखते हैं क्या बनेगा. और बाकी तो रात का जो सरप्राइज़ था वो तो इन्होंने सो के स्पॉइल कर दिया उसको, क्योंकि मतलब मैंने तो
केक वेक मंगाया था चुपके से यार, इतनी प्लानिंग की थी, बड़ी है सो रहे थे। मैंने इनसे कहा केक काटो, कहते सुबह यार उनको सुबह याद भी नहीं है। तो खैर कोई नहीं, इनको नींद लगी थी इसलिए सो गए, दिन भर ऑफिस का काम करते। तो अब हम लोग इकट्ठा शाम को ही करेंगे सेलिब्रेट। तो रात वाला केक भी रखा है, शाम वाला भी रखा रहेगा, दोनों साथ में ही कट कर लेंगे। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये हैं कृषि बाबू, से हेलो टू एवरीवन। ये अपनी बॉटल काट रहे हैं, हेलो बोलो सबको, हाय गाइस। बोलो आज मेरे डैडा का बर्थडे है, आज मैं तो पहली बार अपने दादा के साथ हूँ उनके बर्थडे में, बोल दो। पिछली बार जब इनका बर्थडे था तो कृषि 7 मंथ का था मेरे पेट में, मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। और इस बार ये अपने डैडा के बर्थडे में 9 मंथ के हो गए हैं। तो खैर चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, भूख लग रही है बहुत कस के। और नाश्ते में सिंपल सा पोहा ही बनाया था, क्योंकि इन्होंने कहा कि कुछ भी बना लो, इनका ऐसा कुछ स्पेशल खाने का मन नहीं था, क्योंकि कल हम लोग का फास्ट था। तो पोहा बनाया था, और अभी फ़ैन चल रहा है इसलिए आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, लेकिन गर्मी बहुत है यार, बहुत है। तो एनीवेज चलिए फिर हम लोग खाना खा लेते हैं। क्या है, क्या लेना है बताओ। अभी सो के उठे हैं ना ये, तो चलिए फिर मैं खाना खा लेती हूँ और इनको भी लंच करा दूँ। इनका भी लंच बना दिया है मैंने, छोनो मोना भी खाएगा, मामा भी खाएगी, है ना। चलो चलिए फिर मिलते हैं शाम को भी डेकोरेशन भी कर। तो ये रहा हमारा लंच, बिरयानी, और ये है बूंदी का रायता, तो यही खाया था हमने। और बस अभी शाम हो गई है और मैं जा रही हूँ डेकोरेशन करने के लिए। मैंने सोचा था हल्की फुल्की डेकोरेशन कर देती हूँ जो भी मुझे समझ में आ रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बलून्स लगाए थे, अभी मैं डेकोरेशन चेंज कर दूँगी, मैं कोने में कर दूँगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किधर लगाऊँ किधर लगाऊँ। तो फिर मैंने और रवि भैया ने मिलकर फिर हम लोगों ने प्लान किया, क्योंकि उनकी छुट्टी थी तो हम दोनों ने मिलकर फिर प्लान किया। होता है ना कि एक से भले दो मिल जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। तो बस यहाँ पे वो जो अल्फ़ाबेट वाला हैप्पी बर्थडे आ रहा था वो मैं फुला रही थी, और इसमें से एक दो अल्फ़ाबेट ना पिचके हुए थे, मतलब वो नहीं हो पाए थे, उसमें होल था। तो बस यहाँ पे बलून्स वगैरह फुला रही हूँ मैं, और कृषि एज यूजुअल शैतानी करने में लगे हुए हैं। रवि भैया ने फुलाया है, और अभी मैं इसमें जो ये वाला टेप आते हैं ना उसी में मैं इसको फंसा रही हूँ। और मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ, ये एक्चुअली ऋषिप का खिलौना है, और इसमें जो भी बोलेंगे वो कॉपी करता है। तो मैं जो बोल रही हूँ ना ये कॉपी कर रहा था, मुझे याद नहीं था ये ऑन है। दीपिका दीदी यहाँ पे रेडी हो रही हैं, और मैंने ये येलो वाली कुर्ती पहनी है और उसके साथ ये मल्टी कलर का दुपट्टा कैरी किया है। तो ये रहा मेरा फाइनल गेटअप, कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं किया, बस काजल लिपस्टिक बिंदी, बस दैट्स इट। और बस अब मैं इनके लिए भी मैंने कपड़े निकाल दिए हैं, मैंने इनसे कहा कि आज तो चेंज कर लो, आज आपका बर्थडे है। नॉर्मली ये चेंज नहीं करते हैं, जैसे कि आप लोग देखते भी होंगे वीडियोस में भी, तो ये जल्दी चेंज नहीं करते हैं कपड़े। तो मैंने आज कहा कि नहीं आज चेंज कर लो, आज आपका बर्थडे है। और मैंने इतना अच्छा डेकोरेशन भी किया है, अब जैसे मुझे आया वैसे मैंने किया, बहुत अच्छा तो नहीं है बट आप लोग बताना कैसा है। तो खैर गर्मी बहुत हो रही है, और अभी ये गए हैं फ्रेश होने के लिए, ये आते हैं तो रेडी हो जाते हैं, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई हुआ यूँ कि मैंने इतना स्पेशल केक ऑर्डर किया था और वो केक डिलीवर हो गया, लेकिन उन्होंने हमें ना गलत केक दे दिया, मतलब किसी और का केक हमें दे दिया और हमारा केक किसी और को। तो अब हम लोगों ने तुरंत देखा भी नहीं, हमें लगा कि चलो जब केक कट करेंगे तो देखेंगे, अभी देखा तो मैंने देखा कि अरे इसमें तो कुछ और लिखा हुआ है, वो बच्चे का केक है, उसमें कार वार बना है। मैंने कहा अरे, फिर मैंने उनको फ़ोन किया जहाँ से हमने केक लिया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ मिस्टेक हो गई है, वो अभी आ रहे हैं, वो ये वाला पिक कर लेंगे और दूसरा छोड़ के जाएंगे, हमारा वाला दे के जाएंगे। तो इस वजह से अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, आइए। तो बस अभी ये रेडी हो जाते हैं, फिर जैसे ही केक आ जाता है कटता है तो मैं फिर आप लोग। गाइस दिस इज द फाइनल डेकोरेशन, और कोई बात नहीं, मेरे देवर साहब बनियान में हैं तो अभी थोड़ी देर में वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि घर में तो सभी ऐसे रहते हैं गर्मी में, तो इतना कोई वो नहीं है। ये हैप्पी बर्थडे है, और ये रवि भैया लगाने का जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें दीवार में लगाना नहीं है, वॉलपेपर निकल जाएगा, तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो लाइट लगी है ये वाली ना, तो इसमें लगा दें। तो रवि भैया वही कर रहे हैं, एक तरफ तो चिपक गया, दूसरी तरफ बहुत दिक्कत कर रहा है, होपफुली हो जाए। और इधर बलून्स और ये सब
ऐसे बस सिंपल सा कर दिया है हम लोगों ने इतना करने में, तो ऐसे ही एक्चुअली दीवार में कुछ करना नहीं है ना, तो इस वजह से ज्यादा वो हो रहा है। और यहाँ पर किट्टू भैया तैयार हो रहे हैं, और तो यहाँ पर चल रहा है फोटो सेशन। ये देखिए मैं और ये हम लोग, मैंने कहा कि चलो जब तक केक कटने में थोड़ा सा टाइम है तब तक मैं फ़ोटो खिंचवा लेती हूँ। और मेरा केक जो मैंने ऑर्डर किया था ना वो नहीं आ पाया था, फिर भैया के एक दोस्त हैं उन्होंने ये केक भिजवाया था, मतलब उन्होंने पहले से ही, वो हर बार इनको केक भेजते हैं, तो इस बार उन्होंने कुछ बढ़िया सा प्लान किया था तो अच्छा सा केक भेजा था। उसमें मेरी, इनकी और कृषिव की फ़ोटो है केक में, और शिखर भैया की भी है। तो हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब ऐसा केक आ जाएगा इनके दोस्त की तरफ से, बट बहुत अच्छा केक था। तो मैं पास से वीडियो लेना भूल गई थी। तो बस यहाँ पे बर्थडे बॉय बैठ चुके हैं, और दूसरा वाला केक जो है ना वो मैंने 12 बजे रात में मंगवाया था काटने के लिए, बट इनको इतनी ज़्यादा नींद आई थी कि इन्होंने सही से कुछ कटवट नहीं किया, तो इसीलिए मैंने फिर वीडियो भी नहीं बनाया था, क्योंकि इनको बहुत तेज़ नींद आ रही थी, क्योंकि दिन भर ये ऑफिस का काम करते हैं ना तो थक जाते हैं। तो खैर यहाँ पे बस केक कट होने वाला है, और बहुत अच्छा लग रहा था सच में, छोटी सी एक पार्टी थी बट बहुत अच्छा लगा था। कृषिव को देखो, उसके डैडा की, डैडा का पहला बर्थडे उसके साथ है, पिछली बार वो 7 मंथ का था मेरे पेट में, मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, और इस बार वो 9 मंथ का है। तो हम लोगों ने इसलिए और भी स्पेशल किया था क्योंकि कृषिव के साथ इनका पहला बर्थडे था। तो चलिए फिर केक कट होने वाला है, हो रहा है सॉरी, हम लोग इन्जॉय करते हैं। तो बस यहाँ पर केक कट वगैरह सब हो गया है और पार्टी ओवर हो गई है, और अभी हम लोग करेंगे डिनर। और डिनर में आज बर्थडे बॉय का फेवरेट पिज़्ज़ा आया है, वही खाएंगे हम लोग, और बिरयानी भी बनी है तो दोनों ही खा लेंगे, जो जिसका खाने का मन होगा। तो बस यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन हो रहा है, और कृषिव की मस्ती चल रही है। और ये देखिए कृषिव और जेरी की तो मस्ती चलती रहती है, बिल्कुल जेरी से नहीं डरता है, उसको बिल्कुल नोचने लगता है, उसकी उसको किस करेगा, उसको नोचेगा, तो इसीलिए हम लोग इसको बचाते रहते हैं, क्योंकि फिर ये छूता है फिर मुँह में हाथ डाल लेता है, तो इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो इस वजह से जो है बहुत ही दूर रखते हैं हम बच्चे को। तो खैर चलिए फिर, ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसको एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से। बर्थडे बॉय अभी खा रहे हैं पिज़्ज़ा, इधर देखो, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, उधर एक और, नहीं आपका बर्थडे कब है आज? अरे हाँ।